What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 3rd December 2020, थर्सडे है, सुबह के 8:35 हो रहा है, थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, कल फ्राइडे हफ्ते के लास्ट दिन, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आएगा, तो उससे पहले एक चौपिनेस बाजार में देखने को मिल रहा है, एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम डेली चार्ट में देखेंगे वो रेंज क्या है, कल भी हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 2nd December आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 13,144 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,064। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स एक वे में ट्रेड हो रहा था, एक पैटर्न बना रहा था। जैसे इसने लोअर हाई लोअर लो क्रिएट किया और टूवर्ड साउथ की तरफ आया, तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 13,049, सेकंड टारगेट 13,031, ये भी अचीव हुए। और जैसे इसने लो लगाया और उसके बाद एक डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ, और जैसे ही नेक लाइन को इसने ब्रेक किया, एक जबरदस्त बाउंस बैक हमें देखने को मिला। तो इस तरह के पैटर्न्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करने होते हैं लाइव मार्केट में। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग जो हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 14 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 10,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में काफ़ी खास कुछ देखने को नहीं मिला, एक साइडवेज पैटर्न था, वहाँ पर भी नासडैक हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहाँ पर मिला जुला कारोबार देखने को मिला। हालांकि जो वैक्सीन है वो नेक्स्ट वीक से वहाँ पर शुरू हो जाएगा लोगों को देने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। एशियाई बाजार देखे तो हल्की सी बढ़त पॉजिटिवनेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 33 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर भी देखे तो फ्लैट नोट के साथ इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। डेली चार्ट में जैसे कि हमने आइडेंटिफाई किया था, ये जो बियरिश कैंडल है, यानी ये जो रेड कैंडल है, इसका हाई और इसका लो अभी तक टूटा नहीं है। इस रेंज के बीच में निफ्टी इंडेक्स लास्ट 4 डेज से ट्रेड कर रहा है। अगर सिमिलर पैटर्न देखे तो लास्ट यहाँ पर भी अपने देखने को मिला ये जो रेड कैंडल है, उसके बाद कंटिन्यू 4-5 दिन ये ऊपर की तरफ आता है, इस रेंज में ट्रेड होता है और उसके बाद फिर से यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलती है। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू हो सकती है, यह कहा नहीं जा सकता या फिर कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा। तो कल भी इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था, प्रीवियस कैंडल का ये जो हाई और लो है इसके बीच में ही ट्रेड हो रहा था, और इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी यानी जहाँ पर ऊपर की तरफ ओपन हुआ था उसी के पास आकर क्लोज हुआ है और नीचे की तरफ एक लंबा टेल छोड़ दिया है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, कन्फर्मेशन नहीं होता, सिर्फ सिग्नल होता है। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करता और यहाँ पर रेड कैंडल नहीं बनती तब तक कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा। तो अभी भी ये जो रेड कैंडल है इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता तब तक। नीचे RSI भी लोअर हाईज बना रहा है और ऊपर हमने देखा था प्राइस एक्शन में हायर हाईज बन रहा है, तो सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है, लेकिन जब तक कन्फर्मेशन नहीं मिलता तब तक उस एंगल में उस डायरेक्शन में पोजिशन बनाना रिस्की साबित हो सकता है। तो चलते हैं आर्ली चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था वही आज सेम हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है, यानी 13,144 ऑल टाइम हाई, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,164, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 13,183, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ये जो लेवल है जहाँ पर एक छोटा सा स्विंग हाई बनाया था, एक रेजिस्टेंस फेस किया था 2 दिन पहले, तो ये जो लेवल है यानी ऑलमोस्ट 13,090 को अगर ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का लेवल 13,075, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा जस्ट 20 EMA, ये जो पिंक लाइन है इसके जस्ट ऊपर, क्योंकि इसका सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है 13,058, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।